दोस्तों, कैसे आप लोग? आज सीटेट की गणित में हम आगे पढ़ेंगे अंकों पे आधारित प्रश्न। अंकों से आधारित प्रश्न क्या है? यह बहुत ही इजी सरल तरह के प्रश्न होते हैं, किंतु फिर भी इसे हमें समझना होता है, इसे लगाना होता है। तो अंकों समझने से पहले कुछ बातों को पहले हम स्पष्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं कि एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होगी एक। अगर उसी समय कह दिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो नौ होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी संख्या नौ। फिर इसी आधार पर आते हैं, अगर दो अंक की कह दिया जाए भैया दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो दो अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होगी एक के बाद एक जीरो, माने दस, माने दस। अब यही कह दे दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया एक अंक की जब सबसे बड़ी संख्या एक, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या दस, तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या सॉरी नहीं है, तो मैंने एक नौ बढ़ा दिया। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दिया, एक के बाद दो लट्टू बढ़ा दिया, कुल तीन अंक हो गया, एक दो तीन, तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या सौ, और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या एक दो तीन, मतलब नौ नौ को बढ़ाते जाएंगे, नौ नौ की पुनरावृत्ति करते चलेंगे, इतनी बार मतलब जितनी अंक तक कहेगा। चार अंक की देखिए, चार अंक की संख्या, देखिए चार अंक सबसे बड़ी संख्या, तो हम एक तरह सबसे बड़ी, एक तरह सबसे छोटी लिखते चल रहे हैं, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी में हम चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अंक पद्धति पढ़ लें, लेकिन उसके लिए हम एक अध्याय अलग से लेंगे और उसे हम आपको समझा देंगे एक अच्छे तरीके से, कैसे इसको पढ़ा है, कैसे इसको निकालना है। तो ये देखिए हो गया। अब आते हैं, अब पांच अंक का बढ़ते हैं, एक के बाद एक दो तीन चार अंक, माने कुल पांच, और इधर अगर पांच अंक सबसे बड़ी संख्या कहेंगे एक दो तीन चार पाँच, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस क्रम में हम बढ़ रहे हैं, अगर आपसे जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो किस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, बहुत आसान है। लेकिन अभी इससे आगे जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ हो गया, अब आगे छह अंक की, तो बस एक के बाद एक दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो एक अंक हो गया छः। अब यहाँ भी देखिए छह अंक की सबसे बड़ी संख्या एक दो तीन चार पाँच छः, तो यह हो गए। इसी आधार पर जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कहेगा आप निकालेंगे। बस इतना जानते रहिएगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी नौ। लेकिन इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं, इससे प्रश्न देखिए जो सरल प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि पाँच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न में से ज़्यादा पूछता है कि क्योंकि सीटेट का है मामला, तो सीटेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, अथवा छह अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का स्थान अंतर क्या होगा। फिर अंतर के बाद फिर उसमें से प्रश्न और एक लाइन और बढ़ा के बनाए जा सकते हैं। अब इसी के आधार पर हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कुछ नए तरह के प्रश्न आते हैं। ये हम आप लोगों ने हमने समझ लिया कि एक अंक की दो अंक की तीन अंक की सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब आता है कि किसी भी दी गई संख्या से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या दी गई हो, जैसे कोई संख्या दी गई हो उसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे मान ले दे दिया, अंक कुछ दे दिया जीरो सात पाँच चार एक, यह संख्या दे दिया, संख्याएं निम्न प्रकार की, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, देखिए जीरो सात छः चार एक। अब इसे कह दे कि निम्नलिखित से मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करें, या दिए गए अंकों सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालें, डिफरेंस निकालें। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी अगर आपको निकला है तो हम क्या करेंगे, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब एक डायग्राम थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, यह है आरोही, फिर अगली तरफ देखिए यह है अवरोही, यह है आपका अवरोही। आरोही में देखिए बढ़ते हुए, अवरोही मैंने घटते हुए क्रम में। तो हमें करना क्या है कि जीरो सात छह चार एक दिया गया है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, यह है कि सबसे बड़ी संख्या है, इनसे
बनी हुई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जब बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात आएगी तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले और वही प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे, और वही प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे। माने सबसे बड़ी कौन संख्या इसमें, सात, फिर छः, फिर चार, फिर एक, फिर जीरो, तो 76,410 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी ज्ञात करना हो तो बस आरोही क्रम इस्तेमाल करना है, माने सबसे छोटा फिर बढ़ते हुए क्रम में, या किसी को पलट दे, जीरो एक चार छ सात, ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। तो हमने क्या क्या देखा कि दिए गए अंकों से, निम्नलिखित में कि अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या था सबसे छोटी संख्या बनाना था। सबसे बड़ी के लिए हमने क्या किया, कुछ विशेष नहीं किया, हमने क्या किया इसे आरोही क्रम में सबसे बड़ा अंक लिखा, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, इसी क्रम में लिखते हैं। तो क्या हो गया, हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। छोटी के लिए हमने क्या किया, ठीक इसका विपरीत कर दिया, ताकि इसका हमने पलट दिया। तो इस प्रकार हमें क्या हो गई, संख्याएं प्राप्त हो गई। अब पूछे इसका अंतर क्या होगा, अंतर के लिए आप जानते ही हैं, अंतर माने घटाना होता है, अंतर माने क्या होता है, घटाना। तो घटाने का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, घटाने का इस्तेमाल, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे, जो आएगा आंसर वही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको रखे गए हैं। और देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, सात चार नौ जीरो तीन दो, निम्नलिखित से बनने मिलकर बनी हुई सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात, अगर पूछ दिया निम्नलिखित से मिलकर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फिर निम्नलिखित का दिए गए संख्या का अस्थानीय मान ज्ञात करें, तो फिर अस्थानीय मान ज्ञात करने में भी समस्या हो सकती है ना, कुछ कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं हम लोग, या समझ भी लेते हैं, फिर आगे स्थानीय मान के लिए अलग से अध्याय भी हम लोग पढ़ लेंगे। स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, जिसे अंकिक मान भी कहते हैं, फिक्स वैल्यू और प्लस वैल्यू। तो अगर इसमें सबसे छोटी संख्या निकलना है तो क्या करते हैं, सबसे छोटे अंकों को सबसे पहले लिखेंगे। सीधी सी बात, अगर दिए गए संख्या से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अगर सबसे छोटी ज्ञात करना है तो सबसे छोटा इसमें क्या लिख रहा है, इसमें जीरो दो तीन चार सात नौ, तो क्या हो जाएगा, 23,479 ये हो गई सबसे छोटी। लेकिन जो सबसे छोटी संख्या बनी है दिए गए संख्या से बनी है, मान लीजिए जो संख्या दी गई है इस संख्या से मिलकर ही यह सबसे छोटी संख्या का निर्माण होगा। अब आगे आते हैं, अब दिए गए संख्या से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी को उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, या तो सबसे बड़ी सबसे लिखिए, या तो इसका ठीक पलट दीजिए, अथवा इसको पलट दीजिए आप एक काम, दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको पलट दें, या तो सबसे बड़ा पहले लिखिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है, नौ, फिर क्या है सात, फिर क्या है चार, फिर तीन, फिर दो, फिर 97,974,300 प्राप्त हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी, ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें भी क्या पूछता है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा सबसे छोटा ज्ञात करने के बाद फिर आगे आपको दे देगा कि भैया भाई साहब इसमें दिए गए संख्याओं का पांच के, पांच तो दिया नहीं है, चार के स्थानीय मानों का अंतर होगा, दे दिया तो स्थानीय मान क्या होगा। अब स्थानीय मान हम आगे पढ़ा भी देंगे एक पूरा टॉपिक उठा के, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। अगर चार का स्थानीय मान पूछेगा, ये चार है, इसके बाद दो अंक दिख रहा है आपको, ये दो अंक, तो चार के बाद जो ये दो अंक दिए गए, चार के बाद जो दो अंक है ये, तो दो जीरो हो गया उस अंक के बाद, दो जीरो, इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 4000, दोनों का अंतर निकालना है, तो 4000 में से 400 गया, कितना गया 3600। तो इसमें क्या करता है, या 9 के स्थानीय मानों का अंतर, या सबसे छोटी सबसे बड़ी ज्ञात करने के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर
उलझाने का प्रयास करता है। लेकिन आप तो पहले सुलझे हुए हैं तो कोई समस्या शायद आपको नहीं होगी। एक आध प्रश्न और सॉल्व करते हैं, आप उसका जवाब भी दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ उपलब्ध है भैया, क्योंकि सीटेट में छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना होगा, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछता। ऐसे तो आपको लगता होगा कि नहीं मैं तो बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं तो मुझे पहले से ही आ रहा है, तो ये ना सोचिए, क्योंकि सीटेट में इसी तरह से हम पढ़ना होता है, गणित इसी तरह से पढ़ी जाती है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है, जो सीटेट का पैटर्न है, वह इसी आधार पर है प्राथमिक के लिए। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, शुरू कर रहे हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। आप लोग एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इससे आप प्रश्न पूछेंगे, इसका आप जवाब दीजिएगा। हमने दिया है 2401759, ठीक। अब दिए गए संख्या के सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से, या दिए गए संख्या, दिए गए अंकों से, दिए गए अंकों से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। दिए गए संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, या इसको सॉल्व करेंगे किसके, 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा दिए गए अंक से। अंक क्या है, 2401759, दिए गए अंकों से मिलकर सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसे शेयर भी जो कर दीजिएगा। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो हम आगे कराएंगे, क्योंकि अभी हम आपको समझाते चल रहे हैं, ताकि 15 से 20 दिन में मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट हो जाए आपकी, फिर उसके बाद इससे जुड़े प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, हमारे ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है सीटेट की, यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख कर भेज सकते हैं। और हमारे यहाँ नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन नोट्स से ज़्यादा बेहतर होगी अभी क्लासेज, क्योंकि सीटेट के लिए नोट्स से ज़्यादा बेहतर है आपको समझना। इसलिए आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हाँ, साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जल्दी हम लोग अगला अध्याय पढ़ते हैं, क्योंकि इसी क्रम में पढ़ते रहेंगे जल्दी से सीटेट के लिए खत्म हो जाएगी। सीटेट के लिए गणित जो होती है वो सरल आती है, बस थोड़ा समझना है। अगर आप थोड़ा समझ में आ जाता है तो दी बेस्ट, और हम आप बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए, आप इसे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।